मोतिहारी जिले के चकिया प्रखंड में डीलर की मनमानी के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बीडीओ को आवेदन देकर इस मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन के लिए डीलर के पास जाने पर वो मनमानी करता है, साथ ही सामान में वजन कम और पैसे अधिक लिए जाते हैं। डीलर पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जनवरी से अभी तक डीलर ने राशन वितरण भी नहीं किया है। देखिए, जब तारम देवी के केस का, लोक शिकायत के केस का हम लोग जांच में गए थे, न कि किसी डीलर के के विरुद्ध आवेदन के जांच में। और आप ही तो सिस्टम ये है कि आप अगर एक डीलर आपको अच्छा से व्यवहार करके माल नहीं दे रहा है तो आप दूसरे के पास, तीसरे के पास भी जाकर ले सकते हैं। तो फिर भी जो समस्या आई है, हमारे पास लिखित आता है, तो मैं जाकर स्वयं जांच करूंगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मोतिहारी से संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, डीलर पे, राशन डीलर जो है उस पे मनमानी का आरोप लगा है, ग्रामीण जो कि आक्रोशित होकर उन्होंने बीडीओ को भी जो है लिखित आवेदन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है इस पे? धनंजय, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के साथ आए दिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा मनमानी किया जाता है, और मनमानी इतनी की जाती है कि सरकार से जो राशन और जो भी सुविधा मुहैया इनके माध्यम से होना चाहिए है वो हो नहीं पाता है, जिसको लेके ये उपभोक्ता और ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग डीलर के खिलाफ ये मनमानी का आरोप लगाते हुए वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। जी धनंजय, लेकिन एक सवाल, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि जनवरी से ही राशन डीलर ने राशन देना बंद किया हुआ है ग्रामीणों को, और अब जाके मार्च महीने में जाकर इसकी शिकायत की गई, आखिर इतनी देरी की वजह क्या है? ग्रामीणों के द्वारा ऐसे शिकायत की गई थी, स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई थी, लेकिन इन लोगों का जो आरोप जो लगा हुआ था डीलर के खिलाफ वो ग्रामीणों का जो पेपर और आवेदन जो दिया गया था वरीय पदाधिकारियों को उसमें जांच का बहाना बनाते हुए इतनी देरी की गई है। वैसे अगर देखा जाए तो टोपी टोपी एक है और उसमें आए दिन गरीब लोग मरते जा रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मोतिहारी में डीलर पर मनमानी के आरोप में लिखित आवेदन दिया गया है बीडीओ को, और कार्रवाई की बात फिलहाल कही जा रही है।